और काशिप तुम्हारा भी मेहनत का टाइम शुरू होता है, तुम भी तो करोगे ना। काशिप भी कर रहे हैं जी इन छह चीजों से ब्राइड का मेकअप। आइए हम जो है वो आपको मेकअप देखने का मौका देते हैं। ओहो, यहां मैं बताना चाहूंगी नाजरीन, इतने सारे कामों में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना भूल गई। याद है आपको मैंने क्या बताया था कि जीतने वाले को जो यहां से ग्रैंड फिनाले तक पहुंचेगा और जो जीत पाएगा उसको मिलेगा 2 लाख रुपए का कैश प्राइस इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से। नाजरीन बहुत बड़ा इनाम है, एक ऐसे पार्लर को जो घर में कमरे में खुला हुआ है उसको अपग्रेड करने के लिए 2 लाख रुपए काफ़ी हैं। और ये पहली सीढ़ी होगी जो यहाँ से जीतने वाला चढ़ पाएगा। तो आइए देखते हैं 20 मिनट्स में 6 चीज़ों से मेकअप, वो भी दुल्हन का मेकअप कैसे किया जाता है। ये आप लोगों की क्रिएटिविटी है। हमने आपको कॉन्टोर दी, हमने आपको लिपस्टिक दी, हमने आपको ब्लशन दिया, हमने आपको आई लैशेज दी, हमने आपको ब्लैक शेड दिया और हमने आपको व्हाइट पेंसिल दी। ये 6 चीज़ें हैं जिनसे आपने बनानी है एक खूबसूरत मेहंदी ब्राइड। ओवर टू काशिफ। अच्छा नीता, ये ब्लैक शेड ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, जैसा आप ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि मैंने रामिन के आईज पे जो लगाया है मैं उसको वेट कर रहा हूँ और पूरा शेप बना रहा हूँ आईज की। जो 6 चीज़ें हमने दी हैं अपनी कंटेस्टेंट्स को, वही 6 चीज़ें काशिफ भी यूज़ कर रहा है और मैं दिखाता रहूँगा साथ साथ। हाँ, अभी ब्लैक शेड है, बस इसको मैट कर देना, हाइलाइटर नहीं लगाएंगे हम ना आज हमने इस मेकअप में हाइलाइटर नहीं लगाना, तो बच्चियों ने पहले लगाएंगे। जो तुम्हारा ब्लैक शेड है दिखाओगे काशिफ, वही शेड हमने इनको दिया हुआ है ना, इसी तरह का ब्लैक शेड दिया हुआ है। वेट करके लगा लें इसको ना, ब्रश को वेट करके फिर शेड लगा लें। पानी की बोतलें आपके पास होंगी, आप लोग पानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। काशिफ ने ये बताया कि इस ब्लैक शेड को वेट करके, आप सोचिए कौन सा कॉन्टेस्ट ऐसा होगा जहाँ प्रोसीजर भी बताया जा रहा है कि उन 6 चीज़ों को कैसे यूज़ करा है। मतलब मेरा दिल कितना नरम है, हमारे जजेस का दिल कितना नरम है। और सच्ची बात तो ये, मैं आपको याद है आपका है कि मैं शायद मैं अगर नहीं भी करूँ तो ये आप करवा देती हूँ मुझसे, है ना। अच्छा, साफ साफ मैं आपको याद दिला दूँ कि भाई आप जजेस हैं तो अपने बड़ा गौर से शो देखना है, क्योंकि अनम और काशिफ के अलावा आपकी जजमेंट को भी हमने मद्देनजर रखा है, जो आपने मैसेजेस किए हैं। जबकि काशिफ ये कह रहा था कि अंबर को हम रखें और अंबर का मेकअप बेहतर है, मगर क्योंकि पोल और वोट आप ने जो है वो किया और उसकी वजह से काशिफ भी ने कहा कि जी नाजरीन को हम रिस्पेक्ट करते हैं और नाजरीन जो हैं उनके कहने के मुताबिक हमने अपना सजेशन आपको सुनाया। सबके मेकअप्स दिखाने हैं, बेस हो चुकी है, 16 मिनट 32 सेकंड्स का टाइम है यहाँ। और काशिफ देख रहे हैं आप कि नो लाइनर, सिर्फ वो ब्लैक शेड से ही वो किस तरह मेकअप कर रहे हैं, लाइनर का ब्रश यूज करके एग्जैक्ट। और इसी शेड को आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना पूरा वेट किया है, उसके साथ पूरा आईलेट को कवर करूंगा ताकि एक बड़ा अच्छा सा स्मोकी इफेक्ट आ जाए। अच्छा, आप नाजरीन यहाँ देख रहे हैं क्योंकि काले रंग को संभालना आसान काम नहीं होता ना, आप काले रंग का मेकअप जब आंखों पे करते हैं कभी कभार बहुत सारी खवातीन ने ऐसे किया होता है जैसे घूसा मार के आ ज्यादा है ना, ज्यादा कर लेती है और पूरा फेस भी समटाइम ऐसा होता है कि आपका फेस भी बहुत ब्लैक लग रहा होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह काशिफ ने ब्लैक मेकअप करना शुरू किया है, मगर यहाँ जो हमारा कैमरा अलग अलग कंटेस्टेंट्स को दिखा रहा है वो बिल्कुल भी ऐसे इस तरह उन्होंने स्टार्ट नहीं किया और वो इस तरह मेकअप नहीं कर रही हैं। तो हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि अगर आपको सीखना है तो काशिफ आपको बता रहे हैं कि इस तरह शुरुआत ब्लैक शेड है निदा, तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है बिल्कुल। और ऑब्वियसली अब जैसे टास्क में ज़्यादा कलर्स भी नहीं है तो एडवांटेज भी नहीं है हमारे पास कि हम किस तरह से कलर्स के साथ खेलें, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है आप देख सकते हैं कि हमें बहुत नीटनेस का ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, ये वही वाली बात है, काशिफ फिंगर से ब्लेंड कर रहे हैं
उस ब्लैक शेड पर आप देखें, मैंने एक ना गाइडलाइन बनाई, ठीक है, कि डायरेक्ट अगर मैं शेड लगाऊंगा तो इस तरह से ब्लैक नहीं आएगा, वो बिल्कुल बिल्कुल ही ग्रे सा हो जाएगा। उसको लगाने के बाद फिर मैं दोबारा से उसको वेट करके शेड को मिक्स कर रहा हूँ। ये हार्श लाइन है, ये डिफ्यूज हो जाए और एक बिल्कुल ही नीट लुक आ जाए। इनको अब ये इनकी जहानत है, मैं एक्चुअली सबके सामने नहीं बोल रही, ये इनकी जहानत है कि कॉन्टोर को ये आए प्रो पेंसिल के तौर पर भी या आए ब्रश लगा के गीला करके कॉन्टोर को आए ब्रोज पे भी लगा सकते हैं। लेकिन स्टार्ट ये बहुत गलत कर रही है, मतलब बहुत कट कॉर्नर्स बना रही है ब्यूटिशियंस, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है कॉर्नर्स बना दिए। तुम जाके नाम लेके बताओ, क्योंकि अभी भी वक्त है, 14 मिनट 19 सेकंड है, क्योंकि है नहीं ना उसमें। अनम तुम जाके, क्योंकि मैं वहाँ बहुत घिचपिच हो रही है, मैं इसलिए SOPs की वजह से इतना जा नहीं पा रही हूँ। तुम जाओ और देखो कि क्या हो रहा है मेकअप का काम। आप देख रहे हैं माँ ममता और मेकअप का नया सीजन। माएँ अपनी बेटियों के खूबसूरत मेकअप्स कर रही हैं और कंपटीशन में शामिल हैं। यहाँ 7 कंटेस्टेंट्स हैं और जीतने वाली को मिलेगा 2 लाख रुपए का कैश प्राइज इम्तियाज सुपर मार्केट की तरफ से। 1 मिनट 20 सेकेंड रह गया आपका मेकअप खत्म होने में। वाओ, सबके मेकअप्स आज बहुत बेहतर हैं यार। कल से काशिफ, इनको 6 चीजें ही देनी चाहिए थी कल भी। यकीन मानो आज इनके मेकअप्स कल के मुकाबले में मैं 50% ज्यादा बेहतर कहूंगी हैं। मैं एकदम हैरान हुई ना, क्लोज आया काशिफ की दुल्हन का, मैंने कहा यार इतना अच्छा कौन कर रही है लड़की, मैं देख रही हूँ गौर से, फिर नजर आया तो लॉन्ग शॉट आया, मैंने कहा ये तो काशिफ है। जरा प्लीज काशिफ की जो ब्राइड है जिसपे 6 चीजें यूज की गई हैं उसका क्लोज दिखाएं। काशिफ ने वो भी मैट कर दिया जो मैट किया है। काशिफ आपने अभी तक? जी हाँ, मैट कर दिया। राइट वाला नहीं हुआ शायद। कौन सा? राइट वाला गाल, हाँ ये वाला, ये भी मैट कर दें। सिर्फ ब्लश ने निदा, हाँ ब्लश में, ब्लश में हल्का सा ये है, शिमर है, शिमर है बस ना। हाँ ब्लशर में शिमर होगा। ओहो क्या ब्राइट बनी है ये 6 चीजों से, जस्ट इमेजिन। जो इनके पास है ऑलरेडी, और यही ब्लश ऑन है, और इनर वाटरलाइन पे आप देखें वाइट जो मैंने अपना शेड लगाया हुआ है, और जो पूरी जो आईलेट पर है देखो ब्लैक शेड जो नजर आ रहा है, ये ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इसी को किस तरीके से पहले मैंने वेट करके लाइनर के तौर पे लगाया था, फिर उसको फिंगर से लगाया था वेट करके, और उसके बाद फिर फाइनली मैंने इसको ड्राई शेड के साथ पूरा ब्लेंड कर दिया था, तो कोई इसमें हार्श लाइन नहीं है। टाइम खत्म हो गया है।